हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा सा नाश्ता, जिसके लिए डेढ़ कटोरा ले लिए मैदा, दो बड़े आलू छोटे छोटे काट के ले लिए हैं, एक बड़े प्याज और एक कैप्सिकम छोटा, एक टमाटर, एक अंडा और मसाला हमें चाहिए ये भुना हुआ जीरा, इसको ग्राइंड कर लिए हैं, अदरक छोटी चम्मच, लहसुन एक चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर और छोटी चम्मच से हाफ चम्मच आमचूर पाउडर और तीन चार मिर्च कच्चा मिर्चा ले लिए हैं काट के, स्वाद अनुसार नमक। इसका डो बनाएंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक के साथ इसको मिला लेंगे, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, उसके बाद इसका डो बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मिक्स हो चुका है, इसमें इसका अब डो बनाएंगे, हल्का हल्का पानी डालेंगे, इसका डो बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा डो हो गया रेडी, इसे अब 15 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे प्याज, एक मिनट के लिए भूनेंगे, एक मिनट ज्यादा भूनना नहीं है, फ्राई नहीं करना हमें। और एक मिनट हो चुके हैं, अब इसमें आलू डाल देंगे, साथ साथ कैप्सिकम भी डाल देंगे। टमाटर और नमक डाल देंगे साथ से। देखिए दोस्तों, तो थोड़ा सा फ्राई कर लिया, अब इसमें डाल देंगे सब सारे मसाले। और इसको 5-10 मिनट तक भूनेंगे, तो कच्चापन चला जाएगा। देखिए दोस्तों, एक भून चुका है, अब इसमें डालेंगे अंडा, और इसको साथ साथ चलाते रहेंगे। अंडा अच्छा से भून जाएगा, उसके बाद इसको बंद करेंगे। देखिए दोस्तों, अब अंडा भी भून चुका है, अब इसे उतार देंगे। देखिए दोस्तों, इसको अब बनाएंगे, इसका लोई लोई बना लेते हैं, उसके बाद इसको बेलेंगे, इसको से लंबा बेलेंगे। इसके बाद इसे इस तरह मोड़ेंगे। इसे ऐसे हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे,
कढ़ाई में। इसको थोड़ा सा तेल डाले हैं, ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है, और ऐसे इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब एक साइड में पलट देंगे इसे और दूसरे साइड में भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे थोड़ा ब्राउन होने तक। देखिए दोस्तों, तो ब्राउन हो चुका है, अब इसे निकाल देंगे और इसी तरह एक एक करके सब फ्राई कर लेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा ये चटपटा नाश्ता रेडी हो गया है। आप भी घर में बनाइए और खाइए, और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।